नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज हम आपके सामने एक अनोखे प्रेम की कहानी लेके आए हैं। कहेंगे कि ये इत्तेफाक है या मालिक से पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। फतेहपुर के गांव में एक टीचर ने अपने बच्चे ना होने के कारण एक बंदर को पाला। जी हाँ, जब उन दंपत्ति के कोई बच्चे नहीं तो उन्होंने एक बंदर को गोद लिया, उसको पाला। घर परिवार में सभी लोग थे लेकिन उन दंपत्ति के कोई बच्चे नहीं थे। उस दंपत्ति ने उस बंदर को अपने बच्चे की तरह पाला। कुछ समय बाद दंपत्ति की पत्नी का देहांत हो जाता है। दंपत्ति में जो पुरुष है वो अपना खर्चा चलाता है, क्योंकि वो टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, अपना खर्चा चलाता है, अपना भी पेट भरता है, साथ में बंदर का भी पेट भरता है। बंदर और मालिक का ये अनोखा प्यार था वो पूरे गाँव में बहुत ही चर्चित था। जहाँ मालिक जाता था वहाँ भी बंदर पहुँच जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय और वक्त बीतता गया। मालिक की उम्र इतनी हो गई कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाता था, वो खुद का पेट नहीं भर पाता था तो बंदर का कहाँ से भरता। उसने ये सोचा और साथ में गांव वालों ने भी कहा कि अब तुम इसको नहीं खिला पा रहे हो, नहीं देखभाल कर पा रहे हो, तो इसे कहीं छोड़ आओ। मालिक को बहुत दुख हुआ, उसने उस बंदर को अपने से दूर करने की सोची और एक जंगल में बाहर जाके कहीं छोड़ आया। 10 दिन के बाद बहुत समय बीत गया। 10 दिन के बाद कुछ समय बीत जाने के बाद मालिक की तबीयत खराब हो गई। 10 दिन के बाद वो बंदर वापस उसी घर में आ गया और मालिक की छत पे बैठा रहा। आसपास वाले जो खाने को दे देते खाता था, वरना कुछ भी नहीं खाता था। मालिक ने बीमारी के कारण अपने प्राण त्याग दिए। घर में चीख पुकार मच गई, गाँव वाले इकट्ठे हुए, रोने धोने लगे। बंदर को जब यह एहसास हुआ कि मालिक को कुछ हुआ है तो छत से उतरता है और मालिक की डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है और उसको निहारता है। उसको देखते देखते अचानक से बंदर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ये देख के गांव वाले बहुत चौंक जाते हैं, अचंभा मानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मालिक तो बीमार था लेकिन बंदर बीमार नहीं था, उसने ऐसे कैसे हो गया। पूरा गांव बंदर और मालिक की शव यात्रा तैयार करता है। मालिक की शव यात्रा के साथ ही बंदर की भी शव को रख दिया जाता है और दोनों का दाह संस्कार एक ही चिता पे होता है। गांव वाले और परिवार ने सोचा है मर जाने के बाद 10वां और 13वीं की जो रस्म होती है वो बंदर के लिए भी रखी जाएगी और दोनों का 10वां और 13वीं साथ में किया जाएगा। ये एक प्रेम कहानी थी मालिक और उसके बंदर की। आपको कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा और हंगामा टाइम्स ऐसे ही देखिए।